साधु के आत्मदाह की कोशिश के बाद सरकार प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। विरोध की आग बुझाने के लिए संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, आईजी और एसपी के बाद खुद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह संतों से मिलने पहुंचे। बाबा हरि बोल, गोपेश, राधा प्रिया, रमाकांत शास्त्री, सुनील सिंह, महंत शिवराम दास आदि से वार्ता के बाद संतों ने धरना समाप्त कर दिया। इनमें तीन मुख्य समझौते हुए। बता दें कि अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वत माना गया है। इसके तीन खंड हैं, त्रिदेव की तरह पूज्य हैं। कनकांचल और आदिबद्री पर्वतों को ब्रज का हिमालय खंड माना गया है। यहाँ हिमालय की तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देव सरोवर, त्रिवेणी, हर की पैड़ी, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ आदि हैं। मान्यता है कि कनकांचल पर्वत में कई पौराणिक अवशेष हैं, इनकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। आज भरतपुर के पसोपा में लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा साधु संन्यासियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदिबद्री और कंकाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यहाँ जो माइंस स्थापित हैं, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये माइंस 2000 से 2018 के बीच में यानी पुरानी माइंस हैं और ये वैध माइंस हैं, जिनमें 11 माइंस कंकाचल में और 34 माइंस आदिबद्री में हैं। इसके अतिरिक्त इन माइंस को शिफ्ट करके जो लोग बेरोजगार होंगे, जैसे 2500 लोग अभी इस पर एम्प्लॉय हैं, उनको रोजगार दूसरी जगह मिलेगा। और साथ में सरकार ये मंशा रखती है कि इन जगहों को जो यहाँ के साधु संन्यासी हैं, जो धार्मिक पर्यटन का एक स्थल है, उसके रूप में इसको विकसित किया जाए। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी राज्य सरकार बनाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है, जिसमें यद्यपि 3 से 4 बार हमारी और इनकी संघर्ष समिति की वार्ता हुई और समस्त वार्ता में बाबा सभी सहमत थे, परंतु विजयदास जी एक बाबा हैं, उन्होंने स्वयं कहीं से आकर ये कर लिया और उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है, स्टेबल है, और वो उनको SMS में विशेष रूप से भर्ती कराया है।